सुप्रीम कोर्ट की सीधी तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वहां पर वकील मौजूद हैं और वो जो जजेस के लिए पांच कुर्सियां लगी हैं, क्योंकि पांच जजों की ये पीठ है, संविधान पीठ, जिसे आज अपना फैसला सुनाना है। और बहुत महत्वपूर्ण खबर इस वक्त ये मिल रही है कि आज के इस फैसले से पहले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जिन्होंने 370 हटाने को लेकर सरकार के खिलाफ पैरवी की है, उनकी तरफ से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है, कुछ लड़ाई हारने के लिए ही लड़ी जाती है, ये कह रहे हैं कपिल सिब्बल। एक्स पर पोस्ट किया है कपिल सिब्बल ने 370 पर फैसले से पहले, ये बड़ा बयान आप कह सकते हैं कपिल सिब्बल का, कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से कि फैसले से पहले ये इस तरीके का एक्स पर पोस्ट, ये क्या कुछ संकेत इससे मिल रहा है अंकित? देखिए रोमाना, हम सभी जानते हैं कि कपिल सिब्बल ना सिर्फ एक बड़े राजनेता हैं बल्कि एक बड़े वकील भी हैं। भले ही उन्होंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो है इस जो 370 का जो जिस तरीके से हटाया गया है उसके खिलाफ दिया हो, लेकिन वो बखूबी जानते हैं कि एक्चुअल में फैक्चुअल जो पोजीशन क्या है, लीगल पोजीशन क्या है, और संभवतः उनका ये ट्वीट इसी बात को इशारा कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में जब भी जो बातें होंगी तो इन चीज़ों को याद रखा जाएगा, लेकिन उनकी जो पहली लाइन है वो यही है कि कुछ लड़ाइयाँ हारने के लिए ही लड़ी जाती हैं। तो ये भी दिखाता है कि संभवतः कपिल सिब्बल को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो उन्होंने याचिका का विरोध किया 370 का, वो ठीक नहीं था या फिर वो कमजोर था। एक दूसरी जानकारी और देना चाहूंगा, जो अभी हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं पूरे कोर्ट रूम के अंदर से, तो जितना मुझे यहां पर से जो समझ में आ रहा है, कोर्ट रूम में जो फैसले की प्रति है वो पहुंच चुकी है, क्योंकि पांच जजेस की बेंच होती है। अमूमन प्रक्रिया क्या होती है वो भी समझा देता हूं दर्शकों को। तो उसमें प्रक्रिया ये होती है कि जब भी जो है जो फैसला पढ़ा जाने वाला होता है, उससे पहले जजेस के आने से पहले जो फैसले की प्रतियां होती हैं, वो जितने भी जजेस होते हैं, जैसे यहां पर हमको दिख रहा है कि पांच जजेस की बेंच है, तो पांचों जजेस के सामने वो फैसले की प्रति रख दी जाती है। उसके बाद में जज आते हैं और फिर वो फैसला पढ़ना शुरू होते हैं। इसी तस्वीर में एक दूसरी तस्वीर भी नजर आ रही है जो कोर्ट रूम के अंदर की है, कि वहां पर तुषार मेहता, मुकुल रोहतगी जैसे वरिष्ठ वकील बैठे हुए हैं, वहीं ओपोजिशन की तरफ से भी तमाम जो वकील हैं, जो जिन्होंने अपनी जिरह की है, वो भी बैठे हुए हैं। यानी कि एक तरीके से स्टेज इज ऑल सेट फॉर द जजमेंट, और अभी जैसे ही मुख्य न्यायाधीश वाली ये बेंच पूरी असेंबल होगी, फैसला पढ़ा जाएगा। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। तो पांच जजों की ये बेंच और कुछ ही देर में फैसला पढ़े जाने का सिलसिला शुरू होगा, और इसी के साथ अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम फैसला, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है। इंतजार किया जा रहा है जजेस के कोर्ट रूम में पहुंचने का। आपको बता दें, पांच जजों की संविधान पीठ, जिसमें खुद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं, उसी संविधान पीठ ने 16 दिन तक इस मामले पर सुनवाई की। 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया और आज 11 दिसंबर को अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम फैसला आने की घड़ी। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास, और जरा जानते हैं क्या जानकारी मिल रही है। अभी भी जो तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट के भीतर से हमें नजर आ रही हैं, उसमें जजेस के पहुंचने का इंतजार। अंकित, देखिए बिल्कुल जजेस के पहुंचने का इंतजार है, लेकिन कोर्ट रूम पूरी तरीके से भरा हुआ है। लेकिन इस वक्त की जो हलचल है अब वो दिख रही है कि वो देखिए जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना, वो फैसले की प्रति, अगर हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हो तो वो फैसले की प्रति यहाँ पहुँच चुकी हैं, पहुँच रही हैं वहाँ पर और रखी जा रही हैं। और जैसे ही ये पूरी कार्रवाई पूरी होगी, तमाम जजेस यानी कि पाँच जजेस की जो बेंच है वो आपको असेंबल होते हुए नजर आएगी। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, लेकिन 10:30 बजे का वक्त था, उसमें करीबन 20 मिनट की देरी जरूर हुई है। देखिए कोर्ट रूम पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है, हमारे सहयोगी निपुण सहगल भी मौजूद है, और यकीन मानिए जो भी खबर होगी निपुण के हवाले से हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जमकर राजनीति भी हुई है। लेकिन जो जब कोर्ट में दलीलें दी जा रही थी तो यही बताया गया कि इस मामले में जो भले ही कुछ भी कहा गया हो, लेकिन कुछ भी असंवैधानिक नहीं हुआ है। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए जजेस के पहुंचने का इंतजार, और जिसकी जानकारी अंकित गुप्ता दे रहे हैं कि वो जो जजमेंट की कॉपीज है वो तमाम जो जजेस हैं उनकी सीट्स के सामने मेज पर रखी जा रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।